हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इस बार हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉरॉइड, ठीक है। तो टॉरॉइड किसे बोलेंगे, आपको सोलेनोइड के बारे में बताया। सोलेनोइड ऐसे था कुछ इस तरह, अगर उसको हम सर्कुलर बेंड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा टॉरॉइड, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह हो जाएगी हमारी टॉरॉइड की, कि सोलेनोइड इज बेंड इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसे क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे, ठीक है, सॉरी टॉरॉइड। अगर सोलेनॉइड को सर्क्यूलर में बेंड कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉरॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो समझो कि सोलेनॉइड हमारा कुछ इस तरह था, फिगर ड्रॉ करके बता देता हूं, और इस पे वाइंडिंग ऐसे रखा हुआ था, ये उसका ए पॉइंट और ये उसका हो जाएगा बी पॉइंट। अब ए और बी को मैं ऐसे सर्कुलर में जॉइंट कर देता हूं, यानी ये कुछ रिंग जैसा बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट, साथ में आ गया, और यहां पे वाइंडिंग आ जाएगा हमारे। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, टॉरॉइड, ठीक है। दिस इज अवर टॉरॉइड और ये हमारा था सोलेनॉइड, क्लियर। अब यही टॉरॉइड को हम क्रॉस सेक्शनल में डिवाइड करते हैं, मतलब दो पार्ट कर देते हैं। एक उस पहले टॉरॉइड ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे ये हो जाएगा हमारा टॉरॉइड, बराबर। यहां से करंट आ रहा है ऐसे, देर लगेगी बच्चों, पानी वानी पी के आओ तुम लोग। यहां से करंट एंटर हो रहा है, अंदर जाएगा बाहर आएगा ऐसे, ठीक है। हमने कुछ ये डायरेक्शन में करंट लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन में करंट ले सकते हो। एंड द करंट पासिंग थ्रू वन थ्रू द टॉरॉइड इज आई। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, देन टोटल करंट पासिंग थ्रू टॉरॉइड इज गिवन बाय एन आई। ओके, टोटल करंट पासिंग थ्रू टॉरॉइड इज गिवन बाय एन आई। एन आई इज अवर टोटल करंट विच इज पासिंग थ्रू द टॉरॉइड, क्लियर हो। अच्छा, इसका मैं क्रॉस सेक्शनल ले लेता हूं, मतलब इस तरह ऐसे करना, समझो कि ये पूरा सर्कल है आपका, यहां से ये टॉरॉइड है, ठीक है। ये टॉरॉइड को यहां पे ही रखा हुआ है, मैं यहां पे जा रहा हूं और मैंने ऐसे कट किया, बराबर। अब मैं जब उसे ऐसे कट करूंगा तो मुझे टॉरॉइड की फिगर कुछ इस तरह दिखेगी, क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां से करंट इनसाइड जा रहा है, अंदर जा रहा है, यहां पे करंट अंदर जा रहा है, देखो इधर से ये गया अंदर, यहां पे भी करंट अंदर, यहां पे भी करंट अंदर, यहां से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से करंट बाहर आया, यहां से अंदर गया, वापिस बोल रहा हूं, या इसके नीचे वाले पोर्शन से बाहर आया, ऊपर वाले पोर्शन से अंदर गया, ठीक है। कुछ इस तरह करंट का फ्लो है, यानी यहां पे करंट इनसाइड, तो मैंने लिखा यहां पे क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, ये भी क्रॉस, क्रॉस 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 का मतलब क्या है, करंट इज फ्लोइंग इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और डॉट का मतलब क्या है, यहां से करंट बाहर आएगा,
यहां से करंट बाहर आ रहा है आपका, ये करंट बाहर आ रहा है, बराबर। अब ये वाला जो पोर्शन है वो टॉरॉइड के अंदर का पोर्शन है, ये वाला, यहां पे ये टॉरॉइड का बाहर का पोर्शन हो जाएगा और ये भी फ्री स्पेस टॉरॉइड के बाहर का पोर्शन गिना जाएगा, ठीक है। ये वाला टॉरॉइड के अंदर वाला पोर्शन है। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ टॉरॉइड और यहां से मुझे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड मिलने की तीन पॉसिबिलिटी है, तो भाई ये एरिया में मिल सकता है, ये अंदर वाले पोर्शन में मिल सकता है टॉरॉइड के, और ये बाहर वाले पोर्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। तो सर आपने ये क्रॉस और डॉट दिखाया वो क्या है? अरे बच्चों वो करंट है, वो क्या है? करंट है विच इज पासिंग थ्रू दिस टर्न्स, वो जो ये टर्न में से जो करंट पास हो रहा है ना वो है, ठीक है, क्लियर। सपोज मुझे यहां पे पी पॉइंट के पास एट अ डिस्टेंस आर वन मुझे करंट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट पी, ठीक है, ये पॉइंट पी लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कि सपोज करंट पासिंग थ्रू, ये मैं ले लेता हूं केस वन, करंट पासिंग थ्रू टॉरॉइड इज एन आई इफ देर आर एन टर्न्स, अगर वहां पे एन टर्न्स है तो टोटल करंट मैं एन आई ले रहा हूं, ठीक है। यहां से ऐसे देखो, ये टर्न यहां पे आया और यहां पे ऐसे, ये टर्न्स है, क्लियर हो, इस तरह हमने थोड़ी ही क्रॉस दिखाया क्योंकि जल्दी समझ में आए। नाउ एट पॉइंट पी, नाउ एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर वन, आर वन जितने डिस्टेंस पे वी वॉन्ट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो भाई एक ही रूल है हमारे पास किसी भी चीज का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, एम्पियर सर्किटल रूल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल रूल, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल रूल, चलो भाई एम्पियर सर्किटल रूल क्या है? तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो समेशन ऑफ आई, ठीक है, जितना हमारा टोटल करंट विच आर पासिंग थ्रू एम्पीरियन लूप। अच्छा तो फिर यहां पे सर अपने एम्पीरियन लूप कौन सी ली? तो भाई तुझे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे फाइंड करना है? तो बोले सर पी के पास फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पी तुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? एम्पीरियन लूप सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पी तुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? एम्पीरियन लूप। तो देखो मैंने क्या किया, यहां से ऐसे एक एम्पीरियन लूप ले लिया, ये वाला डॉटेड वाला, ठीक है, दिस इज माय एम्पीरियन लूप। अब तू चेक कर तेरे ये एम्पीरियन लूप में से कोई करंट आ रहा है या कोई करंट जा रहा है? भाई कोई करंट अंदर जा रहा है या कोई करंट बाहर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एम्पीयर लूप? तो के नहीं, यहां पे तो कोई करंट अंदर नहीं जा रहा है, कोई बाहर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो करंट एनक्लोज्ड बाय गिवन एम्पीरियन लूप इज जीरो, सो समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो, तो बी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिडर एम्पीरियन लूप लूप ऑफ रेडियस, एम्पीरियन लूप आपको सिलेक्ट करनी है ऑफ रेडियस आर वन की, आर वन रेडियस वाली। कंसिडर एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर वन एज शोन इन फिगर,
ठीक है, बट करंट एनक्लोज्ड बाय, करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप इज जीरो। ये लूप से जो भी करंट एनक्लोज हो रहा है वो क्या है आपका, जीरो है। अगर करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप इज जीरो, देन इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू जीरो, समेशन ऑफ आई क्या लिखो, जीरो लिख दो। ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो एट पॉइंट पी मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी तो ये केस वन हुआ, दूसरा और तीसरा केस और बाकी है हमारा, ठीक है। तो पहले आपको पॉज करके ये लिख देना है, ठीक है, जल्दी लिख देना, आगे बढ़ते हैं। नाउ केस नंबर टू, केस नंबर टू, यही वापिस मैं क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं। ठीक है, और मुझे ये हो गया मेरे इनसाइड डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है वो हो गया, इनसाइड को मैंने क्रॉस से डिनोट किया हुआ है और आउटसाइड को मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, सात आठ बता दो बहुत हो गए। ठीक है, तो आपको सेंटर से टोरॉइड के बाहर वाले पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पे यानी समझ लो कि भाई R2 डिस्टेंस पे, और ये हो गया हमारा P और ये हो गया Q पॉइंट, नाम दे देते इसे। तो Q पॉइंट के पास आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि कंसीडर अ एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R2 एज शोन इन फिगर। देखो मैंने क्या किया, ये एम्पीरियन लूप कंसिडर कर दिया, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किससे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B इनटू DL म्यू जीरो समेशन ऑफ I, यानी एम्पीरियन सर्किटल रूल से। अब एम्पीरियन सर्किटल रूल में क्या मांगते हैं, वो समेशन ऑफ I, यानी करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। तो आपको जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे आपको क्या सपोज करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं मुझे क्यू पॉइंट के पास फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्यू पॉइंट मैंने यहां पे क्या सपोज किया, एम्पीरियन लूप सपोज कर लिया। ठीक है, तो देखना, कंसीडर अ एम्पीरियन लूप, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप एट पॉइंट क्यू एट अ डिस्टेंस R2, देखो ये R2 डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, R2 एट अ डिस्टेंस R2 एज शोन इन फिगर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप अपने तरीके से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो माइंड में आता है वो लिखो, लेकिन सही लिखो। आगे चलते हैं। हियर अकॉर्डिंग टू दिस एम्पीरियन लूप, करंट कमिंग आउट द प्लेन ऑफ पेपर इज इक्वल टू करंट गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, यानी जो करंट इसमें से बाहर आ रहा है उतना ही करंट अंदर जा रहा है, तो समेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, जीरो। सर आप बोल दिए लेकिन समझाया कुछ नहीं। देखो ये सेंटेंस समझा रहा हूं, करंट जो लूप के हिसाब से, जो करंट कमिंग आउट द प्लेन ऑफ पेपर, ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर
ये जो करंट है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ टर्न में से करंट बाहर आ रहा है, और ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, उतना ही आठ करंट अंदर जा रहा है। सपोज पांच एम्पियर इसके अकॉर्डिंग, पांच एम्पियर इसके अकॉर्डिंग, ये बाहर वाला ये डॉट है, यानी क्या है, करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। तो करंट जितना बाहर आ रहा है उतना ही करंट ऐसे घूम के अंदर जा रहा है, यानी समेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जितना करंट यहां से बाहर आ रहा है उतना ही करंट यहां पे अंदर जा रहा है, यानी समेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, जीरो। दिस एम्पियरियन लूप, ये एम्पियरियन लूप है, उसके अंदर कितना करंट एनक्लोज हो रहा है वो चेक किया भाई मैंने, तो वो चेक किया तो मुझे ये पता चला कि भाई इतना करंट, ये सारे करंट, ये सारे करंट एनक्लोज हो रहे। अब उसमें चर्चा की तो ये मालूम पड़ा कि भाई ये जो करंट्स है ये करंट्स बाहर आ रहे हैं और ये वाले करंट्स अंदर जा रहे। तो भाई आठ एम्पियर बाहर आ रहा है तो आठ एम्पियर अंदर जा रहा है, भाई पांच एम्पियर बाहर आ रहा है तो पांच एम्पियर अंदर जा रहा है, तो समेशन ऑफ करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पियरियन लूप इज जीरो, क्योंकि आठ प्लस है तो आठ माइनस भी है, एट माइनस एट जीरो, ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा, सो दैट करंट एनक्लोज्ड बाय, करंट एनक्लोज्ड बाय लूप इज जीरो, सो दैट फ्रॉम एम्पिरियन सर्किटल रूल इंटीग्रेशन ऑफ B into DL is equals to mu zero summation of I, यहां पे हमारा summation of I क्या है, जीरो है, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ B into DL is equals to mu zero into ये हो गया जीरो, ये जीरो तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये था हमारा केस नंबर टू, ठीक है, पॉज करके फटाफट लिख देना, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर थ्री, इसमें लास्ट केस हमारा कि भाई जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, तो जिसकी वजह से नहीं मिलने वाला था वो पहले हमने मेंशन कर दिया, बराबर, और जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ केस नंबर थ्री, केस थ्री में ऐसा बताया कि भाई ये हो गया हमारा टोरॉइड का क्रॉस सेक्शन, ये भाई टोरॉइड का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका ये हो गया सेंटर, सेंटर आ जाएगा हमारा ओ, यहां पे करंट अंदर जा रहा है, पहले जो करंट अंदर जा रहा है वो बता दे रहा हूं, और ये वाला हमारा करंट जो बाहर आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे टोरॉइड के अंदर किसी पॉइंट के पास, समझो कि मुझे ये वाले पॉइंट के पास, ये समझ लो आर पॉइंट, पहले पी क्यू और ये आर पॉइंट, मुझे टोरॉइड के अंदर आर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू दिस आर पॉइंट मैं क्या करूंगा, यहां पे उसका एम्पिरियन लूप सपोज कर लूंगा, ठीक है। तो कंसीडर, यही स्टोरी वापिस, कंसीडर है एम्पिरियन लूप, एन एम्पिरियन लूप, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट आर, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर एज शोन इन फिगर, जैसे भाई फिगर में बताया वैसे, ठीक है, ये हो गया। तो करंट एनक्लोज्ड बाय, करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पिरियन लूप देखो, अब हमारा एम्पिरियन लूप ये है इतना,
उसके अंदर कौन से करंट, इतने जो अंदर जा रहे हैं वो वाले करंट, ये जो बाहर आ रहे वो करंट, तो ये लूप से बाहर है। तो करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियन लूप इज, ये जो क्रॉस वाले वही आएंगे, यानी हमें करंट मिलेगा, ठीक है, हमें करंट मिलेगा कि भाई ये लूप से इतना करंट एनक्लोज हो रहा है, इतने करंट पास हो रहे, ऐसे पास हो रहे इस तरह, ठीक है। तो करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियन लूप इज एन आई, जितना हमारा टोरॉइड में से करंट पास हो रहा है, जो लूप में से टोटल करंट हमारा, वही लिख दिया, कितना पास हो रहा है हमारा एन आई, आगे देखना मैंने लिखवा है, ठीक है, कितना करंट पास हो रहा है एन आई होगा, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल रूल, अकॉर्डिंग टू एम्पीरियन सर्किटल रूल, चलो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो समेशन ऑफ आई, ये हमारा रूल है। ये रूल में मैंने किया यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू जीरो समेशन ऑफ आई, यानी एन आई हो गया। कॉस थीटा क्या बनेगा, थीटा हमारा जीरो बनेगा, क्योंकि बी और डी एल दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस जीरो म्यू जीरो एन आई, बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस जीरो क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई, ठीक है। तो बी इंटू, अच्छा डी एल यानी लेंथ, तो समझ लो ये एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी, तो डी एल 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 डी एल, सारे डी एल इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ एम्पीरियन लूप, एल सर्कमफेरेंस ऑफ एम्पीरियन लूप इज गिवन बाय 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय लेंथ हो जाएगा, तो ये बना स्मॉल एन डिवाइड बाय लेंथ हो गई हमारी 2 पाई आर, सो एन डिवाइड बाय 2 पाई आर यानी मैं स्मॉल एन लिख सकता हूं, तो ये बन गया बी इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड जिसमें से करंट आई पास होता है उसकी वजह से, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो टोरॉइड की वजह से इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई, वेयर स्मॉल इज स्मॉल एन इज व्हाट इज स्मॉल एन, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लिख लो फटाफट।